दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का जो योनो लाइट SBI में प्रॉब्लम आ रहा था, सिम सर्विस नॉट अवेलेबल, उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यानी कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से यहाँ पे हल किया जा सकता है और किस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से और योनो लाइट SBI को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम योनो लाइट SBI ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे ही प्लीज सेलेक्ट द मोबाइल नंबर रजिस्टर विथ SBI, तो यहाँ पे आपका जो भी नेट बैंकिंग में मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही आपको सिम सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मेरा जो है जियो का जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एयरटेल का है तो यहाँ पे, तो चलिए मैं आपको लाइव भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं जो मेरा सिम रजिस्टर नहीं है SBI के साथ, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एयरटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जब आपके फ़ोन में यहाँ पे अगर मेन बैलेंस रहता है और अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज रहता है तब ये प्रोसेस संभव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चार्ज भी कटता है यानी कि SMS द्वारा जो है आप जब आपका सिम वेरीफाई किया जाता है उस दौरान आपसे 1 या 2 रुपये के लगभग में जो है ये चार्ज लेता है सिम वेरिफिकेशन करने के लिए। मेन बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिम सर्विस नॉट अवेलेबल, इसका इसे रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है इसीलिए सिम सर्विस नॉट अवेलेबल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए ओके पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखिए जो जियो का नंबर मेरे बैंक से लिंक है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस आ गया, आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से जो इसको इंटरनेट बैंकिंग का जो है योनो लाइट SBI एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया कि यहाँ पे जो है आपके फ़ोन में जो है अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज होना चाहिए, जो SMS पैक हो जैसे कि 200-300 SMS मिलता है, तो आपको सिम वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा और मेन बैलेंस भी रहेगा जिससे आपको चार्ज भी 1 रुपया मेन बैलेंस से कट जाएगा। तो 10 रुपया का अगर करेंगे टॉक टाइम रिचार्ज तो 7 रुपये कुछ करीब मिलता है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से योनो लाइट SBI यूज कर पाएंगे। तो इतना करने के बाद भी आपका जो है योनो लाइट SBI नहीं खुल रहा है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए योनो SBI, ये भी SBI का ही एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। योनो SBI जब लिखेंगे तो आपको आ जाएगा प्ले स्टोर से, तो यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए एग्जिट कस्टमर के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे लॉग इन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी पे क्लिक करके आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से यस पे क्लिक करके यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के जो है और यहाँ पे योनो SBI एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं, अगर जिनका नहीं होता वो इन एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी सिम नहीं है कि ऐसा जिस हैंडसेट में आप यूज करना चाहते हैं योनो SBI को और उस हैंडसेट में सिम लगा होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। कैसे लॉग इन किया जाता है तो मैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों यही अभी प्रोसेस है कि अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे योनो SBI को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन को योनो SBI को। अगर अगर ये जो वीडियो में बताया गया जिस तरह से अगर हो जाता है तो योनो लाइट SBI को भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।